इधर कांकेर में नक्सलियों की करतूत सामने आई है। बीती रात दो अलग अलग घटनाओं को नक्सलियों ने अंजाम दिया। बस और मोबाइल टावर में आग लगाई। घटना स्थल पर कई बैनर और पैम्पलेट भी फेंके हैं। तो दो नक्सलियों के एनकाउंटर को फर्जी बताया है। कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र की यह घटना है। नक्सलियों की करतूत सामने आई है। बीती रात नक्सलियों ने दो अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया। बस और मोबाइल टावर में आग लगाई है। इस वक्त हम जो है जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर के दूरी मलांज कुड़ुम आमाबेड़ा ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ने वाली रोड पे हैं। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन सहयोगी को कहूँगा कि ये दिखाएं किस तरह के नक्सलियों ने रोड को ब्लॉक कर दिया है। आप देखेंगे यहाँ पे ये जो जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली रोड है, और यहाँ पर जो बैनर के साथ साथ पर्चे भी फेंके गए हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है आवाज़ आने जाने का जो रास्ता है वो बंद हो गया है। और यही ही नहीं, पूरे जिला मुख्यालय के अलग अलग जगहों पे जो है नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया है। अगर हम बात करें तो कोयलीबेड़ा में रात को ही बस को जला दिया गया, और पखंजूर में जो है मोबाइल टावर को जला दिया गया है, और नारायणपुर और कांकेर जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली मार्ग को ताड़ोकी पे भी नक्सलियों ने अवरोध कर दिया है। तो इस तरह की जो है घटना को अंजाम दिया है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो दो नक्सलियों को पुलिस के द्वारा एनकाउंटर किया गया था, जिसके विरोध में ही नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और नक्सलियों ने यह भी फरमान किया गया है कि 22 नवंबर से जो है 22 नवंबर को बंद का आह्वान भी किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि ये कितना सक्सेस होता है। अब तक के जो है पुलिस यहाँ पे नहीं पहुँच पाई है, और कब पहुँचेगी और इस रोड का कब रोड को ओपनिंग करेगी ये वक्त ही बताया गया। इस वक्त जो है कैमरा पर्सन के साथ श्रवण कुमार बेसरा, बंसल न्यूज़, कांकेर।